27 जून नूं नरेंद्र मोदी सरकार दे दूजे संस्करण दा पहला साल खत्म होण जा रहा है, जिस संबंध में भारतीय जनता पार्टी पंजाब द्वारा जन संवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी जलंधर के शहरी प्रधान सुशील शर्मा ने कहा अज पूरे पंजाब दे विच जिन्ने भारतीय जनता पार्टी के जिले ने उन्हां सारे जिलों के विच एक एक प्रेस वार्ता हो रही है और जिवें साडे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया वैब मीडिया मतलब एक नया कंसैप्ट जिहड़ा जुड़ के आया है इन्हां सारियां दी सहयोग दे नाल जिहड़ी 27 तरीक नूं साडी जन संवाद रैली पंजाब दी रहण वाली है और उहदा संदेश लोगों तक पहुँचाउण दे लई तुहाडा सहयोग लैण दे लई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि 27 तरीक नूं जिहड़े साडे देश दे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने वह विशेष रूप दे विच पंजाब दे लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। इस करके अज दी जिहड़ी प्रेस वार्ता की रहेगी यह सवेरे 11 बजे जिहड़ी है रैली स्टार्ट होएगी और रैली जिहड़ी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के नाल होएगी। ये कुछ लिंक सानूं आणगे, लिंक असीं अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे, कुछ पोर्टल न्यूज़ वाले भी भेजेंगे, वैब वाले भी भेजेंगे और दूसरा जिहड़ा कि वह जिहड़े लिंक आणगे जिथे आपां स्मार्ट टीवी लगा के चलाना है उत्थे भी चलणगे। उस तो बाद लिंक लिमिटेड रहणगे मगर बीजेपी पंजाब पेज के उत्ते लाइव चलेगी, वो लाइव असीं मैक्सीमम जगह के उत्ते करावांगे, उसका लाइक शेयर करावांगे। जो शेयर कराने तो मल्टीप्लीकेशन से बढ़ता है और व्यूवर वो बढ़ते हैं ये और दूसरा यूट्यूब चैनल के उत्ते भी यह लाइव रहने वाली है। सो 572 जलंधर के बूथ ने और लगभग 200 स्थानों के उत्ते असी इहदा डाटा बना के स्टेट जिहड़ा अपना बीजेपी ऑफिस है आपां उन्हां नूं भेज चुके हैं मगर साडी कोशिश है कि इस तों उपर भी आपां इह जिहड़ा है लोगों नूं दिखाउण दी व्यवस्था करीए। मौजूदा समें च केंद्र सरकार ते बीजेपी दी निंदा हो रही है पेट्रोल दी ते डीजल दी निंदा, इह ते आपणा की कहना है? देखो लॉकडाउन दे विच मैं हुण भी चर्चा हुंदी पई सीगी जिहड़ा पेट्रोल डीजल दा विषय है ये इंटरनेशनल मार्केट के नाल जुड़िया विषय है। दूसरी गल है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो असं खोल के देखते हैं तो सब तो ज़्यादा बैट अगर किसी स्टेट ने लाया तो पंजाब ने लाया है। देखो एक कल्याणकारी सरकार होंगी है, एक दमनकारी सरकार होंगी है। इस लॉकडाउन के बीच कौन सरकार ने लोगों के हितों के लिए काम किया? जनधन खाते किन्ने 500 रुपया पाया, लेबर जॉब करने वाले लोगों के 1000 रुपये किन्ने पाया, किसानों को किन्ने पैसे दिते और राशन किन्ने पहुँचाया? मैं लगता है कि पंजाब दे विच बैठे हैं प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं होंदी है और लोगों ने देखा कि पंजाब सरकार ने जिथे राशन पहुँचाना सीगा उत्थे राशन तो नहीं शराब पहुँचाई है। सो इन्हें सारे विषय में देखते हुए जो जिहड़ा कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े ने मैं लगता है कि इन्हों घटाना चाहिए है। मैं मनता इस चीज़ को मगर पंजाब सरकार सब तो पहले घटाना चाहिए है। पंजाब सरकार ने जो 5600 करोड़ का घाटा जोड़ा दिखाया है कि सू 5600 करोड़ रुपया घटिया है कोविड की महामारी से, एक घाटा नहीं घोटाला है, ये जाँच होनी चाहिए है और ये सारे विषय जोड़े है लोगों तक जाने चाहिए है। ऐसी करके जी 27 तरीक की जन संवाद रैली है वो पंजाब के लोगों को समर्पित है। जदों कोविड की महामारी के ना तो ट्रांसपोर्ट चल रही थी ना असी घर तो बाहर निकलते पे सी जो तुम इकनोमिक्स पढ़ते हो डिमांड और सप्लाई की जो गल करते हैं डिमांड और सप्लाई के जो असं गल करते हैं तो वो देखते हैं कि जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो रेट बढ़ते हैं, जो डिमांड घट जाती है तो रेट घट जाते हैं। उस वेले तुम ये चाहते हो कि रेट घटने चाहिए सके मगर उस वेले ना तो साड़ी डिमांड सी। दूसरी गल कि सरकार दे उत्ते एड्डा बोझ पिया सीगा सरकार ने उन्हूं भी मेनटेन करना है। जो असं घर का भी अपना बजट देखते हैं अपना घर के मुखी होने के नाते कई चीज़ों बैलेंस करके चलते हैं, उसी तरह ये देश भी चलता है और जिहड़ी साड़ी केंद्र की सरकार है उन्हें मैनेज किया। पर मैं फिर दोबारा तुहानूं बेनती करदा हां इस प्रेस वार्ता के माध्यम नाल करदा हां कि इहदे लई पंजाब सरकार ज़्यादा दोषी है क्योंकि उन्हें जिहड़ा बैट लगाया वो पूरे देश दे विच सब तो ज़्यादा है और उन्हें घटाना चाहिए। सर बाकी स्टेटां जी डेट आई हाल में डेट पक्का है उन्हें भी तुसीं की कहंदे हो? मैं पंजाब की गल कर सकदा अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते इस विषय के उत्ते। अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह 27 तरीक की जन संवाद रैली लई आप कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं।